नित्य निरंतर शांति निवासी सकल परिवार से शांति शांति गुरु गुरु स्वाहा।
Oh,
Thank you.
ఓం శ్రీ శ్రీ దేవాయ కృష్ణ
ये भगवान का नामस्मरण कर रहे कर्मों के लिए निद्रा होती है। और कर्मों के लिए निद्रा होती है तो सारे काम हो जाते हैं। फिर आप 45वां कड़ा पढ़ो या पूरा पढ़ो, पूरा ही पढ़ना सही है। एक श्लोक पढ़ेंगे तो बाकी श्लोक क्या करेंगे, उनको रख के क्या आरती करेंगे हैं? कल भी कोई आई थी, मैं 45वां कड़ा पढ़ रही हूँ, मतलब साथ में साबित और सभी एक बार और पढ़ लेने सारे, बोले मैं 108 बार पढ़ती हूँ। मैंने बोला 48 बार ही पढ़ लो ना सब एक एक बार, सब बढ़िया हो जाएंगे। बोल रहे हाँ वो भी करूँगी, मतलब एक बार सारे श्लोक पढ़ लो क्या दिक्कत होगी। हर लोग बोलते बहुत कठिन है, ऐसी बात नहीं, ध्यान से पढ़ेंगे तो कोई कठिन नहीं। इसमें वर्ड बाय वर्ड दिया हुआ है, ये जो भक्ता मेरे वाले जो स्तोत्र का पाठ है जिसके अंदर पेंटिंग भी है मेरे हाथ के और यंत्र भी बने हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है, अर्थ भी बहुत पुस्तकों में दिए हैं, अर्थ भक्ता मठ के अर्थ भी दिए हैं, क्या इसमें भी होगा क्या नहीं है? शब्दार्थ दिए के भावार्थ दिए, भावार्थ दिए हैं तो इन शब्दों को शब्दार्थ देते तो और ज्यादा एक एक शब्द का अर्थ ज्ञान हो जाता है। मानतुंगा अध्याय कल हम बता रहे थे भगवान की दिव्य ध्वनि कैसे है, गंभीर है, बोलो गंभीर, बोलो तार, रव पूरित, दिग विभाग, दिग बोलो, दिग का मतलब होता है पूर्व पश्चिम दक्षिण और उत्तर, कितने दिशाएं? आप चार भी दिशाएं, आग्नेय नैऋत्य वायव्य ईशान्य, तो ये चार भी दिशाएं होंगे, चार दिशा बोलो, चार भी दिशा और पूर्व दिशा अग्र दिशा, कितने होंगे? दस दिशाएं होंगे, कितने दिशाएं होंगे? दसों दिशाओं में भगवान के दिव्य ध्वनि फिर रही है और वो शुभ संगमा, बोलो शुभ संगम, मतलब सत्संग, समझे ना? शुभ चारों तरफ से शुभ ही शुभ मिल रहा है, अशुभ खत्म हो जाता है। क्या खत्म होता है? अशुभ की निवृत्ति हो जाती है। कैसी निवृत्ति होगी? शुभ की प्रवृत्ति होती है। जब अशुभ निकल गया शुभ ही आ गया तो विघ्न कितने देर तक रहेंगे? अपने आप ही चले जाएंगे। तो कहने का मतलब यह है भक्तामृत स्तोत्र के हर श्लोक अर्थपूर्ण है, भावपूर्ण है और पावर है, शक्तिवान है, जिससे सब लाभ मिलता है। बस तो लोगों को तसल्ली नहीं होती, बेचैनी है, क्या है? बेचैनी, चिढ़ जाते किसी भी बात पे, क्या हो जाता है? चिड़ नाम की बीमारी इतने खतरनाक है, कुछ भी बोल दो एकदम तेरी ऐसी तेजी होते हैं ना, और खुद के ऐसी तेजी कर लेते हैं, उसकी हो या ना हो उठा दो, उसकी हो ना हो खुद के तो हो ही जाती है, होती नहीं होती। और जो चिढ़ाते हैं ना, जो चिढ़ता है ना उसको ज्यादा चिढ़ा देते हैं, लोग देखते रहते हैं कौन चिढ़ता है, किस बात से चिढ़ता है, पता है ना इस बात से ये चिढ़ता है, और उसमें कोई दम नहीं होता है। जिस बात हाँ जो जिस बात से चिढ़ते हैं उस बात में दम ही नहीं होता है, फिर भी चिढ़ जाते हैं, चिढ़ते नहीं चिढ़ते है। तो कर्म भी ऐसे ही है, बोलो अशुभ कर्म हृदय में आते हैं, चिड़ उत्पन्न होता है, क्या होता है? अच्छे एक और वर्ड है सनक, क्या सनक चढ़ जाती है। हाँ अगर कोई किसी को सनक चढ़ जाए ना पागल हो जाए, वो किसी दुनिया में कोई भी दवाई नहीं उसकी, सनकी हो जाती है और उसके बाद किसी के भी कंट्रोल में नहीं आते, वो स्वयं के वश में भी नहीं रहते, बेबस हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं? बेबस हो जाते हैं। वही करना है, किसी ने कह दिया वो करना ही करना है, किसी ने बता दिया वो करना है, और किसी ने कह दिया कि तू रात में खाएगी ना तो
नरक जाएगी। बस दिमाग में बैठ गए और डॉक्टर बोल रहा है कि इसके ब्लड प्रेशर लो हो रही है, इसको कोई नमक दे दो। वो बोलते मैं कभी कम थी, लो होने के बाद तो चक्कर खाएगी बेचारी, परेशानी होगी है, तो अगर लो हो गया क्या करेगी। तो कहने का मतलब ये है कि हारे बीमारी का चूट रखना चाहिए, गाय का चूट रखना चाहिए। हाँ, वो महाराज जी कर रहे हैं, माता जी कर रहे हैं, उनमें एक अंदर से शक्ति है, आध्यात्मिक शक्ति है। कौन सी शक्ति है? हाँ, अगर आपके भीतर भी आध्यात्मिक शक्ति आ जाए तो आपको लो ब्लड प्रेशर भी कुछ नहीं करेगा, लो शुगर भी कुछ नहीं करेगा। कई महाराज को बहुत हाई शुगर रहे हैं पर कुछ नहीं होता है। बड़े महाराज को भी रहता है, मैं 7 साल के से सबसे जानता हूँ, शुगर कभी हाई हो जाता है, कभी लो हो जाते हैं, अब कोई फर्क नहीं पड़ता है। महाराज देखता हूँ, बहुत महाराज को देखा है मैंने, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता है, अब कोई दवाई की जरूरत भी नहीं है। समझ गए ना, वो कैसे होता है? आध्यात्मिक शक्ति है। मैंने ऐसे ऐसे अम्मा को देखा है, एक आरा में द्रौपदी अम्मा की 57 पढ़ती थी, सारे पढ़ती थी, वो नाराज हो जाती थी, एक कड़ा पड़ा बोलते थे ना तो नाराज हो जाते थे कि बाकी क्या करेंगे, कि 48 लोगों का ये एक ग्रुप है, एक पावर है, और 48 लोग पूरे पढ़ो, एक श्लोक विशेष रूप से एक्स्ट्रा पढ़ लो तो कोई दिक्कत नहीं। किसी भी शास्त्र में ऐसे नहीं लिखा है कि इसको 48 बार पढ़ो, 45 बार पढ़ा, ये अपने मन मन से बोल रहे, जितने भी लोग बोल रहे, दुकान खोल रखा है लोगों ने और किताबें छपानी है, तरह तरह की चीजें बना दी, लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए लग रहे, पैसे ले लिया, कोई परेशानी बेचारे चले जाएगा, कहाँ जाएगा, कहेंगे तो जाएंगे। पर आप पैसे लो, लोगों का एडवाइस दो, मना नहीं कर रहा हूं मैं, परंतु तुम सारे श्लोक के बारे में भी तो बताओ। 45 बार पढ़ाई एक ही बता दी। अच्छा, कुछ भी आप पढ़ोगे ना आपको फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा, मैं पक्का बता रहा हूं। आप मंत्र पढ़ो तो भी हो जाएगा, भक्ति पढ़ो, क्योंकि आपके दिमाग जो है भगवान में लगते हैं। हाथ जोड़ो, थोड़ा मुस्कुराओ, बोलो भगवान ऑन, शैतान कौन, बीमारी कौन, अड़चने कौन, बदमाशी कौन, चिड़ कौन, सनकी कौन, होता ही नहीं होता है, है? आप एक देखो भगवान के नाम नहीं मिले, इतना बड़ा मिस्त्री के डली देते हैं, उसको ऊपर से चकेंगे तो कैसे लगेगा, इतना बड़ा मिस्त्री का डली ऊपर से चक लिया तो कैसे लगेगा, अब नीचे से साइड में, इस साइड में, बीच में होल करके चकेंगे तो कैसे लगेगा। बोले धर्म भी, भक्तामर स्तोत्र भी इसके डली है। आप 45 पर क्यों खड़ा पढ़ो या कोई भी पढ़ो, भक्तामर स्तोत्र मिस्त्री की डली है, कहीं से भी आप शुरू करो और आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। बोलो लाभ है, बोलो 5 बार बोलो जल्दी जल्दी लाभ। क्या हो रहा है? भला भला हो रहा है ना, तो लाभ होने के साथ में भला भी होगा। क्या होगा? आप दुकान में बैठोगे, सामान बेचोगे तो लाभ होगा, परंतु भला नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। दुकान में बेचे हैं आपको उल्टे कर्मबद्ध होते, क्योंकि कितने का बेचना है सीधा कोई बिना मार्जिन के नहीं बेचेगा, और मार्जिन भी मर्जी से लेता है। बोलो मार्जिन, जनता के जेब पे, अम्मा के पर्स पे मार करता है वो मार्जिन, तो मार जनता को मार करता है वो, कष्ट को मार, कष्ट मार, बोलो कष्ट में मरता है, कष्ट मारे कष्ट में मरता है चाहे, हाँ उसको पता नहीं क्या क्या मिला करके करके बड़ा बड़ा करके मार्जन चाहिए लोगों को, क्या चाहिए मार्जन, हाँ मार्जन क्या है ये देखते हैं।
घर में भी यही है, बच्चे भी यही सोचते हैं कि पॉकेट में कितना मिल रहा है, समझ गया मुझे कितना मिल रहा है, है? कैसे मिल रहा है, ये सोच है। तो मानकुंभाचार्य कहते हैं कि आप अपने मन को पवित्र करो, क्या करो, हाँ चलो मन को पवित्र करो, चेतन आत्मा को पवित्र करो, ये मानते हैं। मन पवित्र हो गए तो आपका सारे काम हो जाएंगे, ध्यान रखना, समझ गए ना। व्यापार में तो छल कपट के बिना होता ही है, बोलो व्यापार का, बोलो न इस पार है न उस पार है, अपरम पार है, उसका नाम व्यापार है। मार्जिन खाओ, टैक्स खाओ, वो एक बता रहा था जब तक चल रहे 18% खाने को मिल रहे, अरे जीएसटी ना, वो जीएसटी क्या करेगा, सारे खा रहे हैं। मतलब लोगों को दिमाग में यही है कि वे किसी तरीके से गड़बड़ करो, समझिए ना। अब आप यहां बैठे हैं, यहां किसी चीज का कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल प्योर धर्म ध्यान है। क्या है? धर्म ध्यान। पर टाइम निकाल सकते, ये अपने लिए है, काहे के लिए है, बोलो जो समय, बोलो धर्म ध्यान में बिताया वो समय अपना है, बाकी सब सपना है, तो ध्यान रखना है, यही अपना है। ये प्लास्टिक के मुकुट, गत्ते के मुकुट और प्लास्टिक का माला पहनने के बाद कुछ तो अंतर आता है, देवी देवताएं बन जाते हैं, परंतु यही रहे तो बोलो ये मन बदमाश है, ना निकाओ मनो, मन क्या है, बेवकूफ बना रहा है, मालिक को नौकर बना रहा है, बना रहे नहीं बना रहे, हम स्वयं मालिक हैं, कहीं देख रहा है, कहीं सोच रहा है, कहीं जा रहा है, यहां हो रहा है, नहीं देख रहा है, बढ़िया करने के लिए, बड़ो बढ़िया करने के लिए, शुभ सोचने के लिए मेहनत चाहिए, उसमें मेहनत करना पड़ेगा, तब करना पड़ेगा। और उल्टे करने के लिए, बोलो उल्टे करने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, उल्टे विचार अपने आप आ जाते हैं, भूत प्रेत अपने आप आ जाते हैं, बदमाशी अपने आप आ जाते हैं, सनक अपने आप चिढ़ जाता है, चिढ़ अपने आप हो जाता है। बच्चों को शांत करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, सनक की पना शांत करना है तो मेहनत करना पड़ेगा, समझ में आ रहे, चलो आगे। ओम नमः। हाँ आप पढ़ते, मंदार सुंदर, बोलो नामेरो सुपारी जाता, संतान कारी कुसुमो करते हैं उन
कहते देखो मंदार, बोलो मंदार स्कूल जानते हो कोई? मंदार जानते? मंदार स्कूल आपके बहुत बढ़िया, ताली बजाओ। आपका स्कूल होता ना, आप अकल हुआ भी बोलते, आकड़ा भी बोलते, आप भी बोलते, अल्प भी बोलते, उसी का नाम मंदार है। मदार भी बोलते, क्या बोलते? मदार, बोलो मदार, मंदार, अर्क, श्वेतार्क, नीलार्क, रक्तार्क, ये आपके अलग अलग भेद है। सबसे बढ़िया श्वेतार्क होता है, हमारे यहाँ उगा हुआ है, ये इधर भी इधर भी उगा हुआ है, और ये कितने ही बीमारियों की दवाई है। वैसे तो जहर नहीं है, ज्यादा इसको लेना नहीं चाहिए, शरीर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है, किसी को पूछे बिना नहीं लेना चाहिए। अगर कोई गलती से ले ले तो फाड़ देगा दांत, दांत फाड़ देगा, दांत में अगर इसमें दूध गिर गया तो दांत फाड़ देगा, तो आप में गिर गया तो आप चले जाएंगे। उसको तोड़ने के लिए आप इधर करके टोकना, या चश्मा लगा करके गोगल होते वो लगा के तोड़ते, और इसके इतने छोटे से पत्ते, इतने छोटे से पत्ते लेने होते हैं, जो बिल्कुल छोटा पत्ता होता है, सबसे छोटा एक पत्ता है, डेढ़ पत्ता है, कमजोर लोग एक ही पत्ता लेते, छोटे बच्चे आधा पत्ता लेते। और इसके फूल जो बता रहे, ये अमृत है, सारे बीमारियों को दूर करता है। मंदार, मंत्र आचार्य ऐसे फूलों के नाम दिए, सभी फूल दवाइयां हैं, समझिए ना, जितने भी फूलों के नाम लिए सब पुष्प जो है औषधि। बोलो सुंदर, बोलो सुंदर भी फूल का ही नाम है, सुंदर भी फूल का ही नाम है। बोलो मंदार, सुंदर, नमेरु, नमेरु भी फूल का नाम है, सुपारीजात है। पारीजात जानते? पारीजात, पारीजात किसको बोलते हैं? कौन से पुष्प है आप लोग जो देखे हैं उनमें कौन से पुष्प को पारिजात बोलते हैं? ये जो है हार श्रृंगार, कौन सा हार श्रृंगार जानते हैं ना? हार श्रृंगार का दूसरा नाम पारिजात है। वैसे पारिजात एक अलग फूल होता है, वो एमपी में एक ही पेड़ है, एक पेड़ है, उस फूल को पारिजात बोलते हैं वैसे, परंतु आम भाषा में जैसे इस पेड़ को अशोक वृक्ष बोलते हैं, अशोक वृक्ष अलग है, ये नहीं है, इसका एक और वैरायटी है, वो भी नहीं है, एक तीसरा ही है जिसमें फूल आते हैं बहुत सुंदर, वो अशोक है, और वो दवाई के काम आते हैं। और ये जो सुपारी जात बताया कि मंदिर में इसके जो पीछे के डंडी होती है ना, इसे केसर बनाते हैं, नकली केसर, कौन सा केसर बोलते हैं, हर चीज नकली बना रखा है, ये नकली केसर बनाते हैं, क्या बनाते हैं? नकली केसर बनाते हैं। तो ये जो है पारिजात, बोलो पारिजात, समझ में आ गए? अगर इसके तीन पत्ते, चार पत्ते साफ सुथरा करके, इसमें कीड़े होते साफ सुथरा करना पड़ता है, दोनों तरफ से साफ सुथरा करके पानी के अंदर भिगो के रखो, उसी पानी को सुबह उबाल के, एक गिलास पानी का आधा रह जाए उसको सुबह खाली पेट लेंगे, ये जितने भी घुटने में प्रॉब्लम है सब ठीक हो जाएगा। पर ले कौन लेगा, ये सब मेहनत कौन करेगा? मतलब ये सब मेहनत लगता है लोगों को, जिसे लाभ होता है सब मेहनत है, जिसे नुकसान होता है उसमें कोई मेहनत नहीं, समझे ना? पिज्जा चौथे मंजिल में होगा तो चढ़ के खा लेगा बच्चा, दसवें मंजिल में होगा तो भी चढ़ जाएगा, चाउमीन होगा दसवें मंजिल पे रखो चढ़ जाएगा, है कौन करवाए? मन बोलो खाने का कौन करता है? घूमने का, देखने का, आंख थक गया तो भी मन, रात को एक बच्चा को रखना, मैं 3 बजे तक गेम खेलता था, रात को 3 बजे तक, तो तेरे आंख नहीं दुख रही थी, आंख तो दुख रही थी फिर भी मन कर रहा था, कौन कर रहा था?
मम्मी ने झापड़ लगाया, दुख तो हो रहा था, सोचा अंदर से आवाज आई बंद कर इसको, फिर भी कर रहा था। क्या कर रहा था? खेलो। क्या कर रहा था? हाँ, माँ बाप ने अलग से उसको टैब ला के दिए और उसके अंदर कार्ड डाल रखा है, वो फोन भी कर सकता है खेल भी सकता है। अब वो कहता है मैं टॉप करता हूँ स्कूल में, खेलता हूँ पर टॉप भी करता हूँ, पर मम्मी पापा को ये लगता है कि कहीं आगे जा करके ये फेल ना फ्लॉप ना हो जाए, टॉप के देना रात रात देखेगा तो क्या होगा। फिर उसको मैंने मंत्र सिखाया, टू इट राइट नाउ, बोलो बोलो, वर्तमान में जी कर चेतन, वर्तमान बन जाओ, देकर पति को सदगति चेतन, सन्मति तुम बन जाओ, वीर बनो, अतिवीर बनो, महावीर बनो। तो ये इतना सुंदर बातें आचार्य ने बताया। अब बोलो मंदार, आचार्य मंदार, सुंदर, नमेरो, सुपारी जाता है, संतान आदि, संतानक भी फूल का नाम है, संतानक बोलो फूल का नाम है, ये भी फ्लावर है, संतानक भी फ्लावर है। और ये जो महिलाएं पढ़ते हैं ना, बोले पागले मदार का फूल खा ले संतान हो जाएंगे, मतलब उसको संतान से जोड़ लिया, मतलब कहीं भी नहीं छोड़ते पागल, संतानक फूल का नाम है। हाँ खा ले, वो पूरी चाहते हैं, वो बोल रहा था कि इसके जो बच्चा जिसको नहीं होता है उसके लिए अच्छे इसको, मैंने बोला जोड़ दो, कहीं कर दिया खेल के थोड़े, किसी भी श्लोक को कहीं भी जोड़ दो, समझिए ना। तो ये संतानक फूल है, संतानक आदि बोलो, कुसुमोत्तर है, कुसुम है फूल, उत्कर है श्रेष्ठ, वृष्टि बोलो भगवान को वो वृष्टि कर रहे, करो वृष्टि करो, देखो करके देखो, वृष्टि रुद्रा रुक गए हैं, बोलो गंधोद गंधा उदा, चंदन से मिश्रित, केसर से मिश्रित, सुगंध से मिश्रित, जल गंधा उदा बिंदु उदा बिंदु, ये फूलों के सुगंध से जो जल वृष्टि हो रही है उस वृष्टि हो रही है, गंधों तक भी गिर रहे हैं। शुभ बोलो मंदा मरुत, मरुत का मतलब ओस, मरुत का मतलब क्या है ओस, वो ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और उसके अंदर खुशबू भी है, क्या है खुशबू भी है। मरुत प्रभाता बोलो, प्रभाव में बहुत तेजी से गिर रहे और आकाश से सूरज भी नहीं दिख रहा, इतने पुष्प वृष्टि हो रहे, समझे ना। जब बाहुबली भगवान के मस्तकाभिषेक करते हैं तो देखो कैसे हो रहा होगा, और केसर बरसते हैं ना तो वहां नीचे लोग खड़े रहते हैं ना सारे भीग जाते हैं, और इतने बढ़िया लगते हो बिल्कुल पागल लगते हैं, है बिल्कुल पागल हो जाते हैं, उन्हें ध्यान नहीं रहता है, बहुत अच्छा हटाना चाहे तो भी आप नहीं सकते, ये करके आए हैं, चेहरा बहुत अच्छा लगता है। मुझे लग रहा था कि जिसको जिसको उसका अनुभव हुआ है ना, एक अंग्रेज गया था भी जर्मन से आया था, जेनी बनाए, बोले मैं तो इसी काम के लिए जा रहा हूं, किस काम के लिए, केसर है कि मेरे को अभिषेक करने मिले या ना मिले, वो अभिषेक के लिए 10 लाख ले मेरे से, परंतु मैं वहां चरणों में खड़ा हो जाऊं जब भगवान के अभिषेक होंगे, और उसी के लिए आया हूं मैं। मैंने वो कैसे, अरे मेरे पिताजी खड़े होके गए थे ना, उनके सारे बीमारी दूर थे, मेरे को बीमारी है नहीं, परंतु उन्होंने जो बताया मेरे को उसके हिसाब से मैं आया। जर्मनी जर्मन के रहने वाला है, अब प्योर शाकाहारी है वो सारे, मतलब तकरीबन 400-500 कैमरे हो गए, शुद्ध है, मतलब प्योर जैन है। आप लोग सोच सकते हैं कि कोई व्यापार में बेईमानी करते, कोई बहुत बड़ी बात नहीं,
साथ कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, समझिए ना, परंतु वो ऐसे कोई काम नहीं करते। 500 के 500 पैसे लेके बताओ, और पक्का नियम है उनका, जमीकंद नहीं खा रहे तो नहीं खाएंगे। ये नहीं कि आलू को सुखा के चिप्स बना लिए कि भाई आलू नहीं खा रहे, चिप्स तोड़ने दिया तुमने, कच्चे आलू का त्याग है, कौन सा त्याग है? कल एक बच्चा आया था, बता रहा था कि मेरी मम्मी का आलू का त्याग है पर वो चिप्स खाती है। क्या खाती है? चिप्स का त्याग नहीं है। पूछते ये क्या चीज है, हम बोलते चिप्स है, और चिप्स है खाना शुरू कर देती है। तो उन्हें चिप्स ही तो बताया, पूछ के खाती है, बिना पूछे नहीं खाती, बिल्कुल भी कभी नहीं गलती नहीं करती है। तो ये जो कह रहे हैं मंदार बोलो सुंदर नमेरू सुपारी जाता है संतान आदि कुसुमोत कर, उसमें क्या होता है फूल मंदार का, मंदार क्या है बोलो ना, फूल है पुष्प है, सुंदर सुमेरु नमेरु सुपारी का संतान आदि कुसुम का मतलब क्या है, ये सब पुष्प उत्करे ने श्रेष्ठ, उत्करे ने श्रेष्ठ श्रेष्ठ पुष्पों के फूलों के बोलो वृष्टि, वृष्टि कैसे बताया जाए, मुंह बनाकर बैठो इधर उधर चले जाए, ये सारे श्वास ठीक कर देखा है, ये ऐसे करोगे आपके एक्सरसाइज होगी। वृष्टि रुद्धा रोको रुद्धा वृष्टि करो वृष्टि रुद्धा, ऐसे जल्दी जल्दी करो, मान तो सूर्य की ओर दिखाई नहीं दे रही, ऐसे वर्षाओं के तरीकों का करो जोर से, हाँ रुद्धा रोको करंट आगे नहीं आगे हाथ में, और थोड़ा जोर से करोगे तो करंट आएंगे। चलो गंधोदर गंधोदर ऐसे करो, गंधोदर गंधोदर बिंदु शुभ मंद शुभ हो मंद हो, तेजी से बारिश नहीं होती धीरे धीरे हो रही, मरु प्रपाता मरु कहे हवा, मरु कहे ओस की बोलो ओस की ठंडी खुशबूदार हवा, कैसे महसूस तो करो हैं, यहाँ पर आप आते हो एक ओस को ओस की खुशबूदार हवा आती नहीं आती, इधर अंदर आती है अलग से हवा आती है, वो रोड के बाहर जाओ तो धुआं, क्या धुआं, यहाँ तो धुआं है, हम तो आपको धुआं देते हैं, आपको हमें धुआं दे करके चले जाते हैं, देते नहीं देते हैं, गाड़ी चला देते धुआं ही तो देते हो क्या देते हैं, चलो आगे, अब क्या बता रहे दिव्य, हाँ बोलो दिव्य दिवा स्वर्ग से दिव्य पतति गिरते हैं ते, हे भगवान आपके वचसाम वचनों के तरह दिव्य ध्वनि के तरह ततिर्वा वहां से गिर रहे निकल रहे, क्या निकल रही है पंक्तियां, क्या निकल रही है, ये ऐसे डाल रहे तो पंक्ति बन रहे हैं, किनकी पंक्ति बन रहे, कौन कौन से फूल है, बहुत क्या पकाया, क्या पकाया खिचड़ी है, बोलो मंदार हाथ जोड़ो हाथ का है, मुझे पता है यहाँ बैठे कहीं भी देखोगे किधर उधर चले जाओ, चले जाओगे पता है कि मन एक सेकंड में कुछ भी देखेगा ना, किसी ने पूछा ध्यान करते हो आंख क्यों बंद करते हैं, मैंने आंख खोलेगा तो ध्यान जिधर देखेगा उधर ही भागेगा, आंख बंद करके भी दीवार में सुराख दिखाई देती है उसमें से निकल जाते हैं, दीवार में भी निकल जाता है दिमाग, बोलो दिमाग दीवार से भी नहीं रुकता है, घर पहुंच जाते कहीं भी पहुंच जाता है पागल, ध्यान दे रहा नहीं पहुंच जाते हैं, पहुंचता नहीं पहुंचता है, चलो बताओ मंदार बोलो ऐसे ऐसे मंदार सुंदर नमेरु सुपारी जाता है संतान आदि कुसुम उत्कर
गंधोदय बिंदु शुभमंद मरुप्रभात दिव्य दिव पतटिके वचसाम ततिर्वा। कितनी सुंदर बातें कह रहे, दिव्य ध्वनि गिर रहा है। क्या गिर रहा है? दिव्य ध्वनि के तरह, दिव्य ध्वनि के पंक्ति के तरह, एक एक लाइन मोती के तरह बोलते हैं ना महाराज जी, बोलते तो मोती के तरह बोल रहे हैं, हैं? मोती झड़ते हैं, क्या बोलते हैं? ऐसे पुष्प झड़ रहे हैं। कैसे झड़ रहे हैं? भगवान के दिव्य ध्वनि के तरह। कैसे झड़ रहे हैं? उनके पंक्तियों के तरह। बोलो ततिर्वा, बोलो पंक्ति के तरह, लाइन से आ रहे, एक के बाद एक आ रहे। और हम लोग पुष्प वृष्टि करते थे, जोर जोर कहते गिर जाते हैं। और देव लोग करते हैं तो उनके कंट्रोल में रहता है। देव लोग जो है ना पूरे कंट्रोल में रहते हैं। अच्छा, जो देव हाथ देव, जो देव लोग है हर चीज कंट्रोल में करते हैं। कंट्रोल में करने के लिए गत्ते का मुकुट बांध के, प्लास्टिक की माला पहन के कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, फिर भी कंट्रोल होता नहीं है। कंट्रोल कंट्रोल बोलो, मन कंट्रोल दौड़ता ही, इसका काम है जानने का, बदमाशी करता है। इसको कंट्रोल में रखो, क्या रखो? हाँ यही तो है, बदमाश कुछ भी कर देता है, करता नहीं करता है, कर रहा है और रेगुलर कर रहा है, खुद का भी नहीं सुनता है, दूसरे को तो सुन। तो कहने का आशय ये है, ये सारे पुष्प जो है इतने सारे, और वो इसका मतलब ये नहीं कि संतान के लिए है, संतानक भी एक फूल है। बोलो, संतान जो होता है वो भी एक फूल ही है। बोलो, छोटा सा फूल है, नन्ना सा, गाना भी बना रखा है किसी ने, नन्ना सा फूल होंगे है, कुछ भी बना देते हैं पानी, बूटे होने के बाद भी नन्ना सा फूल होता है। चलो, ये अपने अपने भाव है, कैसे आप अपने आप को सोचते हैं, छोटा सोचते बड़े सोचते कैसे सोचते। पर यहाँ पर जो है पुष्प का मतलब जो है ये नाना प्रकार के दिव्य, बोलो दिव्य, देवों पुनीता, कैसे देवों के द्वारा पवित्र किया हुआ कल्प वृक्ष के दिव्य दिवाह आकाश से। ये एलियन सही है, कौन है जो पुष्प वृष्टि कर रहे, कौन नहीं है, गायब हो जाते हैं, समोसरण बना देते हैं। और समोसरण में 20,000 सीढ़ियां हैं, कितनी सीढ़ियां हैं, और नीचे सीढ़ी के पैर रखते ही अपने जिला में पहुंच जाते हैं। 12 सभा में अलग अलग जगह है, आप किसी भी सीढ़ी पे चढ़ो, कहीं भी चढ़ो, एक पैर रखते तुरंत अपने जगह में जाके बैठोगे, आपको बोलना नहीं पड़ेगा यहाँ बैठो, यहाँ तो बोलना पड़ता है कि ध्यान रखो, ढंग से बैठो, उल्टा सीधा मत बैठो, बताना पड़ता है, बताने के बाद भी नहीं सुनते लोग, परंतु वहां बताना नहीं पड़ता है, अपने आप अपनी जगह में जाके बैठे, डिसिप्लिन में रहते, जैसे होना है वैसे होते। तो आपको मैं यही कहूंगा, ये दिव्य ध्वनि जो है भगवान की कृपा है। अब मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, समझ में आ गए? हाँ, आपसे मैं प्रश्न पूछता हूँ, इस लाइन में बताएंगे। देखो, मंदार फूल का नाम बताओगे, किसको कहते हैं? Thank you.
Thank you.